जल्दी आओ बैठते, आराम से पकौड़े भजिए। यहाँ देखिए बहुत मिल रहा है, ये हमारा भात दाल। अभी देखो लोहे बिछ रहे हैं, इसकी क्रीज बनी हुई है, मसाला भरने लग गई है। चिकन पूछो तो शिमला मिर्च चूड़िया ही चूड़िया रंग। हेलो गाइस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके बे ब्लॉग्स में, और मैं हूँ बागेश्वर देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज व्लॉगिंग की स्टार्टिंग, अभी तो वैसे बज रहे हैं 4, लेकिन ना मैंने सुबह से ना कुछ क्लिप्स बना के रखी, वीडियोस बना के रखी है, तो आप उसको देख लीजिए। तो देखो आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट में बना रही है आलू के पराठे। तो मम्मी मसाला भरने लग गई है, तो आदि नविया के लिए अलग से मसाला रख दिया है और हमारे लिए मिला रखा है मिर्च। इसमें एक लच्छेदार पराठा बन गया है, और ऐसे करके और भी बनते रहेंगे। ये रहा मिर्ची वाला स्टफ मसाला। बात तो आती है बेटी, आज की थकान मिटेगी, मौका आता है, अच्छा अच्छा खाऊंगी आलू के पराठे। अपने हाथ का खा के ना बोर हो गई हूँ मैं, अब मम्मी के हाथ का खाऊंगी, और कभी मम्मी को अपने हाथ का भी खिलाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। तो अब ना मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और देखिए अभी तक मैंने नहाया भी नहीं, सर भी नहीं धोया है, और मायके में फर्स्ट डे इतनी आलसी आ गई है, और आदि को भी अभी नहलाने रखा है। आलू का पराठा जो नविया भी खा रही है हमारी प्यारी प्यारी, और ये रही मेरी बहुत टेस्टी सी चाय। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक ना आप कहीं जाइएगा नहीं, क्यों आदि? तो अब बज गए हैं 12 और मम्मी का बनने लग गया है खाना। तो इसमें मम्मी ने बना दी है दाल। मम्मी दाल कौन सी है? मूंग की दाल। और इसमें है सब्जी, सब्जी कौन सी है? कद्दू की सब्जी। ये हमारा भात दाल, और देखो मम्मी खिलाने लग गई है बच्चों को खाना। अब मैं भूल गई हूँ ये कौन है, मम्मी करेगी इनकी। बढ़िया सा घी मिला रखा है मेरी मम्मी ने बच्चों के लिए। हम हो गए हैं तैयार, तो ना मैं आपको कहीं ले जा रही हूँ अपने साथ शांतिपुरी। वहाँ ना मम्मी पापा लोग का बनने वाला है नया घर, तो वहाँ जाके देख लेते एक बार। आ गई हमारी ई रिक्शा, इसको खोलते हैं। जल्दी आओ बैठो बैठो बैठो। तो बैठ गए ई रिक्शा में और चलते अपनी मंजिल की, और मम्मी इसको बोलती है टुक टुक। दादी कैसा लग रहा है? अच्छा। देखिए गन्ने की फसल, तो नगर में भी हर जगह खेती खेते। देखो ओ बाबरे कितने लंबे लंबे घास हो रहे हैं यहाँ। पहुँच गए हैं शांतिपुरी में, और पीछे देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखिए यहाँ भी ढोले बाद रखे हैं, और पर्सोना लैंटर भी है, और अभी अंदर जाने जैसा भी नहीं, तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ, बाद में ही दिखाऊंगी अच्छे से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बरामदा बाहर का। तो यहाँ से एक बार ना अंदर जाके देख लेते हैं। तो अभी काम चल ही रहा है, तो देखिए ये है कंकड़ बजरी सब डाल रखा है यहाँ। अभी तो और ज़्यादा ज़रूरत होगी जिस दिन लैंटर पड़ेगा, परसों आई मीन। तो यहाँ से भी छत में जाती हूँ, अभी टेम्प्ररी बन रखा है, एक बार हम भी जाते हैं। आराम से तुम कैसे गए? तुमको डर नहीं लग रही? मेरे को तो डर लग रही है। तो देखो ऊपर आ गई हूँ मैं छत में, अभी देखो लोहे बिछ रहे हैं इसमें। देखो छत पूरा दिखा देती हूँ आप लोग को। तो देखो अभी भी भैया लोग को यहाँ काम में लगे हुए हैं। तो ये साइड की बाउंड्री बन रही है, ताकि ना पानी नीचे को ना गिरे उसके लिए। ऐसे ना आपको बस व्यू भी दिखाती हूँ छत से, हर जगह हरियाली, खेत। अभी थोड़ी देर धूप गई थी, फिर से धूप आ गई। देखो तो जो ये आप लकड़ी देख रहे हैं, लैंटर सेट होने तक ऐसी बदा रहेगा, जब लैंटर सेट हो जाएगा फिर खुलेगा ये, तो बोलते हैं ढोला। अंदर ना मैं रूम देख के आ गई हूँ, एक हॉल है और दो तीन रूम और हैं, और किचन बाथरूम यही सब है, बन अच्छा रहा है। तो जब बन जाएगा ना फिर आपको होम टूर भी कराऊंगी बाद में जब आऊंगी मायके। तो जहाँ हमारा घर बन रहा है देखिए आसपास बहुत ज़्यादा हरियाली है। देखिए हाथ कितना हिल रहा है। तो जाने लग गए हम वापस घर को, बैठ के टुक टुक महकती। देखो तो 5 बज गए हैं और हम पहुँच गए हैं घर, थोड़ी देर के बाद ना फिर हमको मंडी भी जानी है मार्केट। तो अब मैं आ गई हूँ घर से बाहर, और पीछे देखिए नविया और आदि खेल रहे हैं। तो अभी मैं आपको ले जा रही हूँ सब्जी मार्केट, आज वेनसडे है ना, तो वहाँ बहुत अच्छी सब्जी मार्केट लगती है, तो सीधे चलते हैं। तो गाइस देखो अब मैं पहुँच गई हूँ वेनसडे मार्केट में, और यहाँ देखिए बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है, सब्जियाँ भी है, फल फ्रूट भी है, और ना कपड़ों की भी दिख रही मुझे पीछे पीछे। तो चलते हैं सीधे वहाँ। नविया और आदि को संभालना इतना मुश्किल हो रहा है ना, कभी आइसक्रीम कभी कुछ, और नविया तो डॉगी के पीछे दौड़ लगा रही है। तो देखिए ये पे गन्ने के रस वाले भैया भी हैं, अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे जूस पियेंगे। तो देखिए भैया भी बैठे हैं, पकोड़े भजिए देखो आलू बॉन्डे जैसे, और एक शॉप यहाँ भी है देखिए, यहाँ मुझे जलेबी भी दिख रहे हैं,
और ब्रेड पकौड़ा, समोसा और भी बहुत कुछ। और ये देखो कढ़ाई, इसमें तल रहे भैया लोग। मम्मी लोग वहाँ बैठे देखो नविया को आइसक्रीम खिला रहे हैं, और यहाँ से मैं ले रही हूँ गन्ने का जूस, पियेंगे अब हम लोग फ्रेश फ्रेश। 20 की आधा किलो फ्रेश फ्रेश सब्जी। और भी स्टॉल लगे देखिए यहाँ, चूड़ी, क्लिप, नेल पेंट, हेयर बैंड, बहुत सारी चीजें। इस साइड मुझे दिख रहे हैं लोअर, टी शर्ट और स्टॉल भी। और इस साइड देखिए चूड़िया ही चूड़िया, रंग बिरंगे। ये देखो, तो देखो शूज और स्लीपर की शॉप। और नव्या के लिए भी हमने ले लिए वाले प्यारे प्यारे। मम्मी देखो ये बैगन पूछो तो, शिमला मिर्च देखो कितने फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, खीरा, करेला। कितना ना, कितना? 2 किलो 30, 1 किलो 20 है। नविया ने इतना परेशान कर दिया ना मार्केट में, ऐसे भाग रही है यहाँ से वहाँ, हाथ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। यहाँ देखो मैंगो भी आने लग गई है। तो गाइस अब हम पहुँच गए हैं घर, और आज ना तो मम्मी की एक दोस्त है ना, उनकी दुकान की आज ओपनिंग सेरेमनी थी, तो वहाँ से मैंने अपने लिए कुछ ले रखा है, आप लोग को दिखाती हूँ। उस शॉप से मैंने खरीदी है कुर्ती, वरना आप लोग को पहन के दिखाती हूँ। पहन ली है मैंने कुर्ती, और ये रही मेरी कुर्ती, और कलर भी ना इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये ना मुझे अच्छे रेट में पड़ा है, 330 की, और बहुत कूल कूल है, और समर के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी मैंने प्रेस नहीं कर रखी ना, इसलिए इसकी क्रीज बनी हुई है। और ये देखिए लग रही है ना रीजनेबल रेट में, ऑसम घर। तो अब टाइम आ गया कि इस व्लॉग को यहीं एंड किया जाए, तो आप जरूर बताएगा कि आपको हमारे आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आया तो अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और हाँ बेल आइकन जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरे नए व्लॉग के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।